हेलो एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि माइक्रोस्कोप क्या है और माइक्रोस्कोपी क्या है। ये हमने बेसिक से डिस्कशन की थी। अब हम देखेंगे कि लाइट माइक्रोस्कोप क्या है। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी को देखा था। उसमें माइक्रोस्कोप के बेसिक दो टाइप्स थे, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हमने ये डिस्कस कर लिया है कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है। अगर कोई भी माइक्रोस्कोप में सिंगल लेंस प्रेजेंट होता है तो उस माइक्रोस्कोप को हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, लेकिन कोई भी माइक्रोस्कोप में एक से ज़्यादा लेंसेस होता है तो वो माइक्रोस्कोपी को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोपी कहते हैं। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोपी की के दो टाइप्स थे, एक था लाइट माइक्रोस्कोप और सेकेंड था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आज हम लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप क्या है वो हमने बेसिक देख लिया था कि लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट बीम का यूज़ होता है। ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें लाइट बीम का यूज़ होता है वो माइक्रोस्कोप को हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो चलो गाइस, आज हम देखते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी क्या है। लाइट माइक्रोस्कोप कुछ इस तरह से दिखता है, देखते हैं उसका इंट्रोडक्शन। द माइक्रोस्कोप हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइजेबल सिंबल ऑफ साइंस। ये जो माइक्रोस्कोप है वो मोस्ट रिकग्नाइजेबल सिंबल है साइंस का, क्योंकि साइंस में माइक्रोस्कोप का सबसे ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है स्टार्टिंग विथ यूज ऑफ अ सिंपल लेंस इन एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम में सिंपल लेंस वाले माइक्रोस्कोप का यूज होता था। टू द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप अराउंड 1590। फर्स्ट माइक्रोस्कोप कब डेवलप हुआ था? 1590 में। एंड अप टू द माइक्रोस्कोप यू आर यूजिंग इन सेवेंथ ग्रेड लाइफ साइंस। हम लाइफ साइंस में लेबोरेटरी में जो भी माइक्रोस्कोप को हैंडल करते हैं, यूज करते हैं, वो सेवेंथ ग्रेड माइक्रोस्कोप होता है। द माइक्रोस्कोप हैज़ अलाउड साइंटिस्ट टू मेक डिस्कवरीज अबाउट द इनविजिबल वर्ल्ड। इनविजिबल वर्ल्ड को देखने के लिए और उसकी डिस्कवरी के लिए साइंटिस्ट हुए वो माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। वो माइक्रोस्कोप के ड्यूरिंग ही हमें पता चलता है। नेक्स्ट है ये हमारा जनरल माइक्रोस्कोप होता है जो हम लेबोरेटरी में हैंडल करते हैं। उसके पार्ट्स को हम देख लेते हैं। सबसे ऊपर होता है वो आईपीस होता है, यानी कि ऑक्यूलर लेंस कहते हैं उसको। आईपीस के नीचे की जो ट्यूब होती है वो आईपीस ट्यूब है। उसके नीचे आर्म है, फिर सेफ्टी रैक्स है, उसके नीचे एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो है, उसके नीचे नोब है। और इस तरह देख लेते हैं तो उस पर हेड ऑफ माइक्रोस्कोप है, फिर लेंस है, स्टेज क्लिप्स है, फिर डायाफ्राम है, और सबसे नीचे है वो बेस है और स्विच भी है। तो ये टिपिकल क्लासरूम माइक्रोस्कोप होता है जो कि हम सब यूज़ करते हैं उसको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि माइक्रोस्कोप का पर्पस क्या है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ माइक्रोस्कोप, उसे देखते हैं। टू मैग्नीफाई और एनलार्ज द इमेज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट। कोई भी टाइनी ऑब्जेक्ट होता है उसकी मैग्नीफाई और एनलार्ज इमेज को विजुलाइज करने के लिए माइक्रोस्कोप का मेजर यूज होता है। द माइक्रोस्कोप वी विल यूज इन ईयर इन साइंस कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट 40 टाइम, 100 टाइम्स एंड 400 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोप में कौन कौन सी मैग्नीफाई जो लेंस हमें देता है वो होती है 40x होती है, जो कि 40 टाइम्स मैग्नीफिकेशन प्रोवाइड करती है। फिर 100x का होता है लेंस जो कि हमें 100 टाइम मैग्नीफिकेशन प्रोवाइड करता है, और 400x होता है जो कि हमें 400 टाइम इनलार्ज इमेज हमें देता है। नेक्स्ट अब हम माइक्रोस्कोप के पार्ट्स को इन डिटेल देख लेते हैं कि माइक्रोस्कोप में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन सब पार्ट्स का वर्क और रोल क्या होता है माइक्रोस्कोप में। तो सबसे पहला होता है आईपीस होता है, सबसे ऊपर का है वो आईपीस है। आईपीस को देख लेते हैं हम। आईपीस है वो ऑल्सो नॉन एज द ऑक्यूलर लेंस भी कहते हैं आईपीस को। कंटेन द फर्स्ट लेंस यू लुक थ्रू यूजुअली अ मैग्नीफिकेशन ऑफ 100x। ये
फर्स्ट लेंस होता है हमारे माइक्रोस्कोप का, जो कि 10x मैग्निफिकेशन देता है, और उसका लोकेशन कहाँ है, लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द बॉडी ट्यूब। माइक्रोस्कोप की टॉप ऑफ द बॉडी ट्यूब होती है, वहाँ आईपीस होता है, वो लोकेटेड होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस किसे कहते हैं ये देख लेते हैं, जो कि हम देख लिए हैं हमने कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं, उसके दो टाइप्स होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं, जिसके पास एक से ज़्यादा लेंसेस होते हैं, तो उसमें 3 लेंसेस होते हैं, ऑक्यूलर लेंस यानी कि आईपीस लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस और सबसे नीचे वाला लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस को हम देख लेते हैं, यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद द आईपीस टू प्रोवाइड अ रेंज ऑफ मैग्निफिकेशन। ऑब्जेक्टिव लेंस से वो क्या प्रोवाइड करती है, मैग्निफिकेशन की रेंज प्रोवाइड करती है। वो ऑब्जेक्ट हमें, हम कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसके ऊपर वाला लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस से कहते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव लेंस की रेंज कितनी होती है, 10x टू 400x की इसकी मैग्निफिकेशन रेंज होती है। और वो कहाँ लोकेटेड होती है, लोकेटेड ऑन द नोज पीस एट द बॉटम ऑफ द बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब के बॉटम में वो लोकेटेड होती है। नोज पीस हम आगे देखते हैं वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस हमने देख लिया है। नेक्स्ट आता है हमारा नोज पीस। नोज पीस किसे कहते हैं ये देखते हैं। नोज पीस आपको डायग्राम में दिख रहा है, किसे कहते हैं उसकी देख लेते हैं। होल्ड द ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस जहाँ होता है उसको होल्ड कौन करता है, नोज पीस होल्ड करता है। रोटेट्स टू अनएबल मैग्निफिकेशन, वो रोटेट करता है मैग्निफिकेशन को। हमें कौन सी मैग्निफिकेशन चाहिए, वो हम अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं नोज पीस से। और वो कहाँ लोकेटेड होती है, बॉटम ऑफ द बॉडी ट्यूब, बॉडी ट्यूब के बॉटम में वो लोकेटेड होती है नोज पीस। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्म। आर्म किसे कहते हैं, सपोर्ट्स द अपर पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का जो अपर पार्ट्स होता है, जो कि हमने देख लिया ऑक्यूलर लेंस, ऑक्यूलर ट्यूब, वो सभी को सपोर्ट करता है आर्म। ठीक है, यूज टू कैरी द माइक्रोस्कोप। अगर हमें माइक्रोस्कोप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, उसे कैरी करना हो, तो हम माइक्रोस्कोप को कहाँ से उठाएंगे, आर्म से उठाएंगे। व्हेन कैरिंग अ माइक्रोस्कोप ऑलवेज हैव वन हैंड ऑन द आर्म एंड वन हैंड ऑन द बेस। अगर हमें माइक्रोस्कोप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, तो हम एक हाथ आर्म में रखेंगे और दूसरा हाथ है हमारा वो हम बेस पे रखेंगे। ऐसे हम माइक्रोस्कोप को कैरी करते हैं, यूज टू हैंड्स, टू हैंड्स को हमें यूज करना है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है माइक्रोस्कोप का, वो है बेस। बेस क्या है ये देखते हैं हम। बेस होता है वो सपोर्ट्स द होल माइक्रोस्कोप, पूरे पूरे माइक्रोस्कोप होता है उसको सपोर्ट कौन करता है, बेस करता है। यूज टू कैरी द माइक्रोस्कोप, के माइक्रोस्कोप को कैरी करने के लिए बेस का यूज होता है। व्हेन कैरिंग अ माइक्रोस्कोप ऑलवेज हैव वन हैंड ऑन द आर्म एंड अदर हैंड ऑन द बेस। आगे हमने जैसे देखा दो हाथों का इस्तेमाल करना है हमें। नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो है स्टेज। स्टेज क्या है, सपोर्ट्स द स्लाइड। अगर हमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विजुलाइज करना हो, तो हम उसे स्लाइड में रखेंगे, और वो स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप में जहाँ रखते हैं उसे स्टेज कहते हैं। द स्लाइड कंटेन्स द स्पेसिमेन और ऑब्जेक्ट। स्लाइड क्या कंटेन करती है, कोई भी स्पेसिमेन और ऑब्जेक्ट को कंटेन करती है। दैट यू आर व्यूइंग विद द माइक्रोस्कोप, जब हम माइक्रोस्कोप में कोई भी ऑर्गेनिज्म या स्पेसिमेन को विजुलाइज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है स्टेज क्लिप। स्टेज क्लिप क्या है ये देखते हैं। हेल्प टू होल्ड द स्लाइड इन प्लेस। अगर हम स्लाइड को ऐसे ही रख देते हैं ऐसे ही, तो स्लाइड हिल जाने के चांसेस रहते हैं। अब जो स्लाइड हिल जाती है तो हमें विजुलाइज करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम स्टेज क्लिप में उसको फिक्स कर देते हैं, इसलिए वो स्लाइड होती है वो हिलती नहीं है। और ये काम कौन करता है, स्टेज क्लिप करती है। यूजुअली वन ऑन ईच साइड ऑफ द होल, दो क्लिप होती है, दोनों साइड से हमें स्लाइड को फिक्स कर देनी है। स्टेज ओपनिंग अलाउस, अगर हम स्टेज को ओपन करते हैं वो क्या अलाउ करती है, नीचे लाइट बीम होती है। अगर हम स्विच चालू करते हैं तो नीचे लाइट बीम होती है, और वो लाइट बीम सीधे ऊपर पास होती है बेस पर, बेस के ऊपर पास होती है स्टेज पर। ठीक है, स्टेज पे पास होती है, और वो कब होती है, जब स्टेज ओपनिंग होता है, लाइट सोर्स होता है वो लेंस में जाती है। नेक्स्ट देखते हैं
लाइट सोर्स क्या है, प्रोवाइड्स लाइट नेसेसरी फॉर व्यूइंग द स्पेसिमेन। लाइट माइक्रोस्कोप में सबसे नेसेसरी क्या होती है, लाइट होती है। अगर लाइट नहीं होती तो हम स्पेसिमेन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसको विजुलाइज नहीं कर सकते। तो वो लाइट सोर्स वो क्या है, नेसेसरी है, प्रोवाइड लाइट को प्रोवाइड करती है। यूजुअली आइदर अ मिरर और इल्यूमिनेटर, ये दोनों होती है। मिरर और इल्यूमिनेटर नीचे होता है जहां से लाइट सोर्स है वो पास होता है ऊपर, वो लाइट को सेंड करती है स्टेज के ऊपर। सेंड्स लाइट थ्रू द स्टेज ओपनिंग टू द डायाफ्राम, ठीक है, लाइट को भेजती है। नेक्स्ट हमारा है डायाफ्राम है, डायाफ्राम क्या है वो देखते हैं। व्हील और लिवर लोकेटेड बिलो द स्टेज ओपनिंग, डायाफ्राम है वो स्टेज के नीचे आती है। रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट कैन एंटर द लेंस, वो लाइट की जो अमाउंट होती है उसको रेगुलेट करती है जो कि लेंस में एंटर होती है। नेक्स्ट हमारा माइक्रोस्कोपिक पार्ट कौन सा है, कोरस एडजस्टमेंट नोब। उसमें क्या होता है, राइसेस एंड लोवर्स द स्टेज और ऑब्जेक्टिव लेंस। अगर हमें उसको एडजस्ट करना हो तो हम उससे अप या डाउन कर सकते हैं वो नोब से। यूज्ड ओनली व्हेन फोकसिंग द लो पावर 4x ऑब्जेक्टिव लेंस, उसको हम कब यूज करते हैं, जब 4x में हम विजुलाइज करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो है फाइन एडजस्टमेंट नोब। फाइन एडजस्टमेंट नोब में क्या है, राइसेस एंड लोवर्स द स्टेज और ऑब्जेक्टिव लेंस अ स्मॉल डिस्टेंस फॉर एग्जैक्ट फोकसिंग। अगर हमें माइक्रोस्कोप में विजुलाइज करना हो तो हम ऑक्यूलर लेंस से विजुलाइज करते समय अगर हमें उसको राइजेस या लोअर में रखना हो स्टेज को तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यूज्ड व्हेन फोकसिंग मीडियम पावर, उसको हम कब यूज करते हैं, मीडियम पावर 10x में यूज कर सकते हैं और हाई पावर यानी कि 40x में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है उसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप की एप्लीकेशन कौन कौन सी है। द लाइट माइक्रोस्कोप कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटी ऑफ सेल्स एंड टू लुक एट वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर सच एज नैनो स्ट्रक्चर। उसमें क्या कहा है, लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है सेल्स की एक्टिविटी की, वो सेल्स की एक्टिविटी जो बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर है, और स्मॉल स्ट्रक्चर यानी जैसे कि नैनो स्ट्रक्चर है। लाइट माइक्रोस्कोपी हैज अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इन डिफरेंट सेक्टर्स इंक्लूडिंग इन बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। ये जो लाइट माइक्रोस्कोपी है उसकी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत डिफरेंट सेक्टर्स में है, वो क्या क्या सेक्टर्स इंक्लूड करते हैं, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। इन टर्म ऑफ बायोलॉजी इट इज वन ऑफ द टेक्निक फॉर लुकिंग एट लिविंग सेल, बायोलॉजी में हम उस लिविंग सेल को विजुलाइज करने के लिए यूज करते हैं। अब हम फोटोग्राफी देख लेते हैं, लाइट माइक्रोस्कोपी में किस तरह का विजुलाइज होता है, किस तरह का ऑब्जर्वेशन होता है आप देख सकते हो। नेक्स्ट इमेज, ये बहुत ही क्लियरली देख सकते हो आप। नेक्स्ट, ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा लाइट माइक्रोस्कोपी क्या है और लाइट माइक्रोस्कोपी के पार्ट्स कौन कौन से हैं माइक्रोस्कोप के, ये सभी देख लिए होंगे आपने। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को देखेंगे।